पिछले कई महीनों से चाय बागान के में रहने वाले 160 वर्षों से 150 वर्ष से भी ज्यादा से आदिवासी है, उनके लिए जो आवासीय जमीन है, जो होमस्टेड लैंड, उसका अधिकार पाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 2023 में ही पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून के तहत एक संशोधन लाया, जिसमें लीज की जमीन को लीज से बाहर करके उस पर दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट बनाने का सरकार ने फैसला लिया है। तो इससे चाय बागान में रह रहे, काम कर रहे आदिवासी कम्युनिटी में, आदिवासी समुदाय में बहुत ही एक प्रकार से आतंक है, डर है, भय है। दो प्रकार का भय है, एक तो उनका काम भी खोएगा, उनका काम नहीं रह जाएगा, दूसरा उन लोगों को जहाँ रह रहे हैं वो इतने सालों से 150-160 सालों से, वो जमीन भी उनके हाथ से निकल जाएगी, ऐसा डर है। इसीलिए इस पर हम लोगों ने लगातार अपनी लड़ाई को आगे रखा है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक हम लोगों ने 5 अप्रैल 2023 को और 29 सितंबर 2023 को सिलीगुड़ी में हम लोगों ने हमारे और भी कुछ सहयोगी दलों के साथ में, सभी सामाजिक संगठन है, टोटल सभी नॉन पॉलिटिकल है, कुछ गोरखाज हैं, कुछ बिहारी हैं, कुछ मुस्लिम हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। मूल रूप से 90% अगर हम माने तो आदिवासी लोग ही है तराई डुवर्स में चाय बगान, इसीलिए हम उसकी बात को उठाते हैं विशेष रूप से कि वे लोग इतने लंबे सालों से है जंगल काट करके उन्होंने ही चाय बगान बनाया था। और आज जब सरकार दूसरा प्रोजेक्ट लाएगी उसमें विभिन्न उसमें बहुत किस्म के कई बार पहुंचा चुके हैं सरकार के पास में, तो यही आज का हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा यही है। और इसके साथ ही मेरा नाम क्रिश्चन खड़िया है, मैं उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। और जमीन की मालिकाना अधिकार को लेकर पिछले 2020 सालों से हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोगों ने 2021 साल में भी कालचिनी से लेकर सिलीगुड़ी तक एक यात्रा भी किया था, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 70 के गाड़ी हम लोगों ने गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने लोगों को बताया था कि हम लोग का जमीन का अधिकार क्यों चाहिए। साथ ही हम लोगों ने जो डीएम है, उसके बाद में मुख्यमंत्री है, देश की प्रधानमंत्री है, उसके बाद में देश के राष्ट्रपति है, उनको भी हम लोगों ने अपने तरीके से उनको लेटर भेजा हुआ है कि हम लोग का जमीन का अधिकार क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग का इतिहास यहाँ पे 1836 साल 1830 साल से है। हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम लोगों को 5 डेसीमल का पट्टा चाहिए। हम लोगों ने हमेशा से यही कहा है कि हम लोगों का जितना भी, चाहे वो 5 डेसीमल हो, 10 डेसीमल हो, 20 डेसीमल हो, जितना भी हो, हमें संपूर्ण जमीन का मालिकाना अधिकार चाहिए, उसका खाद्यान्न चाहिए। क्योंकि अभी सरकार 5 डेसीमल जमीन दे रही है, साथ ही साथ सरकार 400 योजना का घर भी बना रही है, साथ ही साथ सरकार ने चाय बागान के जमीन को पूंजीपतियों को देने के लिए टूरिज्म बिल भी पास कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं ये हम लोग का डर है, क्योंकि जो आपका टी टूरिज्म है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 150 एकड़ जमीन जो चाय बागान की जो नॉन प्लांटेशन एरिया, उसको पूंजीपतियों को दिया जाएगा टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम लोग इसको स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लाइए, आप यहाँ पे फैक्ट्री बनाए, आप जो करना है कीजिए, लेकिन सबसे पहले हमारा जो जमीन का जो मालिकाना अधिकार है वो पहले हमको दीजिए। क्योंकि ये जो तराई डुवर्स जो रीजन है, पूरा चाय बागान का जो रीजन है, उसको यहाँ के मूल निवासियों ने बनाया है, आदिवासियों ने बनाया है, गोरखा कम्युनिटी ने बनाया है, सब कम्युनिटी मिलकर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी ज्यादा है, इसलिए आदिवासियों का आवाज यहाँ पे ज्यादा मिलता है। तो हम लोगों ने हमेशा से यही कहा है कि यहाँ का मूल मालिक हम लोग हैं, ये जमीन तो हम लोगों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो सबसे पहले जमीन का अधिकार हमको मिलना चाहिए, ना ही कि कोई पूंजीपति को मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार अभी कर रही है कि जो हमारे गांव बसते हैं वहां से कहीं दूर नदी के साइड में, जंगल के साइड में, वहां पे लाइन बाय लाइन घर बना रही है, 4 सुंदरी होता कर 5.5 लाख, तकरीबन 5,43,000 का एक एक घर है, एक एक घर 5,43,000 का घर है, वो घर बना रही, वो भी लाइन बाय लाइन। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक डिटेंशन कैंप है जैसा, ऐसा घर बना के दे रहे। लेकिन हम लोगों ने सरकार से कभी नहीं कहा कि आप हमको साइड में कहीं पे घर बना के दीजिए। हम लोगों ने सरकार से यही कहा कि आपको अगर घर बनाना भी है तो जहाँ पे हम लोग का घर है वहीं पे बना के दीजिए, अगर आपको अगर जमीन का मालिकाना अधिकार देना है तो उतना ही दीजिए जितना हम लोग का।
आपको फाइव, अगर किसी का तीन डेसिमल उसको तो फाइव डेसिमल नहीं देना, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसको तीन डेसिमल उसका दस डेसिमल के बीच उतना तो दीजिए, ये हम लोग का स्पष्ट कहना है। और ये हम लोगों ने ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन से करें, ये हम लोग विगत कई साल से करते आ रहे हैं। सरकार ने जब योजना लाई है हम लोग के लिए लाई है, हमारे अच्छे के लिए लाई है, तो सरकार को समझना चाहिए कि तराई दुआ से बाहर सभी जगह से विरोध आ रहा है। ऐसा मतलब कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और वो लोग हैं जो राजनीतिक हैं, जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी यूनियन है, जितने भी बुद्धिजीवी है, जितने भी तराई दुआ में जितने भी सोचने समझने और जितने भी नहीं सोचते समझते हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। हम लोगों ने यूनाइटेड फोरम पर आदिवासी राइट से मिल के, उत्तर बंग छात्री संगठन मिल के, हम लोगों ने यहाँ पे सिलीगुड़ी में हम लोगों ने रैली किया था, कम से कम 7 से 8 हजार लोग वहाँ पे थे। हम लोगों ने नवजागरण यात्रा किया था जहाँ पे कालचिनी से लेकर सिलीगुड़ी तक हम लोग गए थे। हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ सेक्रेटरी सभी को हम लोगों ने लेकर भेजा हुआ, सभी को हम लोगों ने बताया है कि हम लोग फाइव डेसिमल हम लोग नहीं मानते, हमें अपना पूरा का पूरा संपूर्ण मालिकाना अधिकार चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों हमारी बातें नहीं सुनती। तो यही हम लोग का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि सरकार हमारी बातें सुने। तरे दुआ से पहाड़ के जो लोग हैं फाइव डेसिमल पट्टा नहीं मांग रहे वो नाखुश है, सरकार को स्पष्ट तरीके से इसको समझना होगा। अगर आपको यहाँ पर राजनीति भी करना है तो यही लोगों के साथ ही राजनीति करना होगा, यही लोगों को लेकर ही राजनीति करना होगा। जो लोगों को लेकर आप लोग राजनीति करना चाहते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं ये फाइव डेसिमल, ये सरकार को मानना होगा। तो ये सरकार के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये लेटर है जो हम लोगों ने टूअर्स में प्रत्येक ब्लॉक क्लब में हम लोगों ने दिया हुआ है हम लोग का लेटर। और साथ ही साथ हम लोग जो मुख्यमंत्री की यहाँ पे विजिट है उत्तर बंगाल में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो यूनाइटेड फोरम पर आदिवासी राइट्स की तरफ से या फिर उत्तर बंगाल जागरूकता संगठन से कि हम लोग उनसे मिले, हम लोगों ने प्रे किया है अपॉइंटमेंट के लिए। हम लोग यही आशा रख रहे हैं कि शायद हम मतलब कि उनसे अगर मुलाकात हो जाती है तो हम लोग उनसे डायरेक्टली जो हमारी जो मांगे उनको रखेंगे, और अगर मुलाकात नहीं होती तो हम लोग किसी भी तरीके से भी हम उनको जो जो हमारी जो मांग काफी है उसको हम लोग उनको देने की कोशिश करेंगे। आज का फेस मतलब करने का ये इतने का एक कैंप मतलब कि पता नहीं सरकार की नजर में क्या है, लेकिन वैसा हमको लगता है क्योंकि लाइन बाय लाइन आप लोग बैठे हैं दूसरे जगह बना रहे मतलब की जैसे कि मुझे में बना है तो नदी के साइड में मतलब कि वो हमारे काम की है ही नहीं। और एक आदिवासी कल्चर में क्या है कि हम लोग वर्शिप करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हमारे देवदेव पूजा करते हैं, जो 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 लोग हिंदुज्म में बिलीव करते हैं वो लोग तुलसी पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन आपका वहाँ पे स्पेस नहीं, एक घर यहाँ पे खड़ा हो गया तो दूसरा घर वहाँ से शुरू है, मतलब कि एक स्पेस जो होना चाहिए वो भी नहीं, और रूम आपका बहुत छोटा छोटा है, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो घर है इतना ही बड़ा मतलब कि इससे छोटा भी होगा, जिसमें आपका दो रूम एक किचन मतलब कि टॉयलेट बाथरूम अटैच है, तो आप सोच के देखिए कितना छोटा घर है। अगर सरकार अगर पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हमारे ऊपर 5.5 लाख का घर है, तो सरकार अगर हमसे अगर बोलेगी कि आप खुद बना लीजिए तो 5.5 लाख में हम लोग अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन पता नहीं मतलब कि ये किस चीज़ मतलब कहाँ पे लेके जाना चाहती है, लेकिन हमको साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं चाय बगान के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का ये सिस्टम जो है वो ऑलरेडी शुरू कर चुका है।